वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल पर नया ब्लॉग आया था, जो लोग ने नहीं देखे है जल्दी जाओ देख लो, लिंक सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे अदनान ना, अस्सलाम वालेकुम। इजाज़ ब्लॉग, वालेकुम अस्सलाम भाई। तो चलिए गाइस चलते सबसे पहली स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है अदनान 07, अरिशफा खान और डॉल की तरफ से। जैसे कि आप सबको बताया, आज अप्रैल की 1 तारीख है, अप्रैल फुल डे, और काफ़ी सारे लोग ने बहुत सारी हरकतें आज के दिन भी किए, जबकि मना किया गया था खास तौर पर उस वायरस को लेके। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग जल्दी मानते नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर डॉल, अरिशफा और अदनान ने इससे रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए थे, आइए देखते हैं। आज आप कोई भी अप्रैल फुल ना सेलिब्रेट करें, एक साल की बात है, अगले साल सेलिब्रेट कर लेना, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चालू है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। तो आप लोग प्लीज कुछ भी ऐसे अफवाह ना उड़ाएं, और अप्रैल फुल रिलेटेड या ऐसे कुछ भी वीडियोस आप लोग बनाओगे या शेयर करोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जो ग्रुप का एडमिन रहेगा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो प्लीज सेफ रहो आप लोग, और अवॉइड करो अगर ऐसे कुछ मैसेज भी आएंगे तो आपको। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सबको अप्रैल फूल ना बनाए वायरस को लेके, तो बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी मत बताए। आप सबको पता है क्या कंडीशन चल रही है, लोग अगर आप ऐसी वीडियोस बनाएंगे तो लोगों को सच्ची में लगेगा कि वो सच है। तो प्लीज अप्रैल पे तो बिल्कुल भी मत बनाए। हाय गाइस, सो इट्स 1 अप्रैल टुडे, आई जस्ट वांट टू शेयर यू वन थिंग दैट प्लीज स्टॉप मेकिंग पीपल फूल using this topic, which is coronavirus. It's a very serious topic, and guys please try to understand this seriousness agar aap, and stay safe, stay healthy. Bye-bye. Guys, ये वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि अभी 507 और रियाज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं देने वाला हूँ। चलिए चलते हैं फिलहाल अनम दरबार की तरफ, और यहाँ पर अनम दरबार को आज फीचर किया गया था आज तक चैनल पर। जी हाँ, आइए वीडियो देखते हैं। बेकरार होता है, होते 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 प्यार होता है। गाइज, अगली जो न्यूज़ है वो कोई टिकटॉकर या यूट्यूबर से रिलेटेड नहीं है, वो है तबलीगी जमात से रिलेटेड। जी हाँ, आप सबको पता है अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चालू है इस मैटर पर, और इसमें मीडिया किस तरीके से गंदा और घटिया काम कर रही है। फिलहाल मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा इस वीडियो में, शायद मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मेरे सेकेंड चैनल पर इस टॉपिक पर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मैं एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ ये वाले वीडियो को देखो, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। जो भी मतलब माइंड में आप लोग के रहेगा ना कि ये गलत है वलत है, वो सब क्लियर हो जाएगा। जाओ प्लीज वो वीडियो देखो, और जितना हो सके शेयर करना। गाइस, अगली शुरू आती है हसनैन 07 की तरफ से, और जैसे कि आप सबको पता है अदनान और अब्दुल की तरफ से एक पार्टी सॉन्ग आने वाला है, जिसका नाम है मस्ती में नाचो। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं अभी आप लोग को एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आप लोग को हसनैन और सोम्या देखने को मिलेंगे, और वो लोग शूटिंग पे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी सॉन्ग की ही शूटिंग चालू थी, जिसमें हसनैन और सोम्या मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, और शायद उस सॉन्ग में ये दोनों साथ में हमें दिखाई देंगे। वैसे जब सोम्या से बात निकली गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्ट अभी सोम्या बहुत चिल्ला रही थी, देखो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, हाँ मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, सोम्या चिल्ला रही, वो अशीमा भी साथ में। अबे साले, अगली स्टोरी आती है तुषार की तरफ से, और आज तुषार ने ये वाली स्टोरी अपलोड किया, मसरूर का भाई। वैसे साथ ही साथ अप्रैल फुल डे था ना, तो स्टोरी दो क्या दर है, गोइंग टू डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो कर ना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। एंड चलिए गाइस, अब हम लोग चलते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ, जो कि आ रही है 507 और रियाज की तरफ से। पहले चलते हैं रियाज की तरफ। मैं आप लोग को बता दूं कि अब रियाज पर भी केस हो सकता है। जी हाँ, मैं पुलिस केस की बात कर रहा हूँ, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन पॉसिबल है। वो क्यों है मैं आप लोग को बताऊंगा सारी डिटेल्स, लेकिन सबसे पहले तो आज रियाज की ये वाली स्टोरी आप लोग देख लो। Hey guys, what's up? So, अभी एक नई न्यूज आई है कि कल से हम लोग घर के बाहर निकल सकते हैं, हम लोग घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं,
पहले जैसी जिंदगी जी सकते हैं। कोरोना वायरस भाग चुका है इंडिया से एंड गाइस कल 1 अप्रैल है, हैप्पी अप्रैल। तो देख लिया आप लोग ने वीडियो, अब आप लोग सच्ची सच्ची कमेंट्स करके बताना क्या ये वीडियो आपकी नज़र में सही था। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है अप्रैल फुल तरह रियाज ने वीडियो बनाया ओके, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले ही वॉर्न कर दी थी कि कोई भी ऐसे टाइप के वीडियोस नहीं बनाएगा, खासतौर पर इस सिचुएशन को लेकर, इस वायरस को लेकर। अगर आप लोग को झूठ लग रहा है आप लोग ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। एंड गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि अगर कोई ऐसा बनाएगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलका शिप ने फिर से ट्वीट कर दिया है, जी हाँ आप लोग देख सकते हैं, मुंबई पुलिस को ट्विटर पर, अगर आप लोग ट्विटर चलाते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, आप लोगों को पता होगा, लिखा है दिस मोस्ट फेमस टिकटॉक स्टार रियाज अली कमिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड स्प्रेडिंग फेक मैसेज अबाउट, मैं उस वायरस का नाम नहीं ले सकता, मना है यूट्यूब के तौर पर, वायरस गेटिंग ओवर एंड पीपल कैन कम आउट फॉर अप्रैल फूल डिस्पाइट गवर्नमेंट स्टर्न वार्निंग प्लीज टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये ट्वीट करने के बाद अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है, कंप्लेंट हुई नहीं हुई, अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली है, लेकिन ट्वीट हो चुका है, तो ये न्यूज मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम लोग चलते हैं फैसू 07 की तरफ। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली दो वीडियो में बताया हूं कि फैसू पर केस हो चुका है, जी हाँ पुलिस कंप्लेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कैफ भाई की एक वीडियो बताया था जिसमें वो कह रहे थे कि टीम 07 को सोच समझ के आप वीडियोस डालना चाहिए क्योंकि उनके हेटर्स काफी बढ़ गए हैं और वो लोग टीम 07 को टारगेट पे रखे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज उन्होंने फिर से एक वीडियो डाले हैं और उन्होंने मेरे बारे में भी कुछ कहा है, आइए देखते हैं। सलाम वालेकुम टिकटॉक की आवाम, कैसी है पब्लिक भाई? भाई चलिए जिस बात का डर था वो बात हो गई। अभी 2 दिन पहले मैंने मिस्टर फैसू 07 के लिए एक मैसेज था, एक नसीहत उनको करी थी कि मेरे भाई लॉकडाउन के में बाहर वीडियो मत बनाइए। हो सकता है कि वो वीडियो पुरानी हो मगर आपको कैप्शन देना चाहिए था, मगर शायद उनको नहीं पहुंची होगी वीडियो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब खबर आ रही है कि उनके ऊपर, हसनैन खान के ऊपर और उनकी टीम के 2-4 बंदे और हैं, उनके ऊपर FIR हो चुकी है। अभी 4 घंटे पहले यूट्यूब का एक चैनल है एजाज व्लॉग्स करके, तो आप जाइए और आप ज्यादा डिटेल में पूरी वीडियो देखिए, उसमें आपको सब समझ में आएगा कि क्यों और किसने उनके ऊपर FIR की है। मेरे भाई अगर FIR हो गई है ये बात सच है, आपको जान के बहुत ही अफसोस होगा, मुझे भी बड़ा ही अफसोस हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि नजरें आप लोगों पे बनी रहती हैं लोगों की, मगर आपने मेरी बात को नहीं माना। चलता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज। एंड रही बात फैसू की, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बॉम्बे टाइम्स आर्टिकल में भी फैसू को फीचर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं, वही उस केस से रिलेटेड टिकटॉक स्टार फैसल शेख इन ट्रबल। साथ साथ गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फैसू ने अपने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड किया है, डिस्प्ले पर आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। चलो उसमें तो वो ऑल आईज ऑन मी पे मतलब वीडियो बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कैप्शन में भी वही लिखा ऑल आईज ऑन मी, और मुझे कैप्शन देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो सबसे यही कहना चाह रहे कि सारे के सारे लोग मेरे पीछे ही पड़े, सबके आके सिर्फ मेरे पे है, बाकी लोग करते हैं तो दिखाई नहीं देता। एंड गाइज यहाँ पर फैसू से रिलेटेड एक वीडियो काफी वायरल चल रहा है टिकटॉक पे, आइए देखते हैं। मैं पर्सनली नहीं जानता उस बंदे को, पर मैंने उसकी कल एक वीडियो देखी जिसमें चारों तरफ सन्नाटा है, बिल्डिंग से बाहर निकलता है बंदा और रोड को छूता है और छू के खट से गेट के पास जाता है और बोलता है कि मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। 25 मिलियन फॉलोअर्स है उस बंदे का। अब आप सोचिए अगर 1 मिलियन लोग भी उसे फॉलो करके ये चीज करने लगे तो ठीक होगा क्या? जो लॉकडाउन चल रहा है उसका मीनिंग बनेगा क्या? मेरे भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये मेरा इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू मैन। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं फैसू की अच्छाई की तरफ। जी हाँ आप सबको पता है एक वीडियो और उस पर FIR दर्ज हो गई, लेकिन साथ ही साथ फैसू ने ऐसी काफी सारी वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें उन्होंने क्वारंटाइन यानी कि इस 21 दिन हमें घर पे रहना है उस चीज को प्रमोट किया था, मास्क को, हेल्थ को, इन सब चीजों को उन्होंने प्रमोट किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर फैसू के फैन पेजेस मुझे काफी सारे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे थे, आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसमें फैसू के वही सब कैप्शंस है जो अच्छे वीडियोस उन्होंने बनाए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला कैप्शन आज के दिन कोई घर से बाहर मत जाना, सेकंड कैप्शन प्राउड टू बी इंडियन, और भी काफी सारे कैप्शन है आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड आज भी फैसू ने इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किए है, आइए देखते हैं। हे फैम व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? गाइज मैं आज बात करने वाला हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आपके आसपास में जो लोग रहते हैं जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है, सो गाइस प्लीज उनकी मदद करें। आपके आसपास में अगर एजेड लोग हैं उन्हें आइडेंटिफाई करें, उनकी खैर खैरियत ले, पूछिए खाना खा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपके पूछने से या आपके एक फोन कॉल से उन्हें वो कंफर्ट मिल सकता है। सो गाइस प्लीज ऐसा करें, कभी कभी घर बैठे बैठे मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। सो गाइस आपका एक फोन कॉल अगर किसी को खुशी दे सकता है, सो गाइस प्लीज बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लें। अपने जो मजदूर भाई है जो बेचारे डेली कमाते थे और डेली खाते थे, आज सब बंद हो गया है और वो अपने गांव के लिए निकल गए। सो गाइस मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूंगा, अगर वो आपको जहां भी दिखे
एक फिजिकल डिस्टेंस रखे, जितना हो सके आपसे खाना दे या एक पानी का ग्लास दे, उन्हें भी अच्छा लगे। बस आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, और गाइज ये भी बोलना चाहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए थोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ सेफ है, डॉक्टर, पुलिसमैन, बीएमसी, गवर्नमेंट, वॉचमैन, मेडिकल स्टोर, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, थैंक यू सो मच। आप लोग की वजह से आज हमारी लाइफ सेफ है। और गाइस आप लोगों को ये जहां भी दिखे तो एक थम्स अप जरूर दे दी। तो देख लिए गाइस आप लोग ने, और आप लोग का क्या कहना है इससे रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मैं रियाज का भी पूछ रहा हूँ, फैसू का भी पूछ रहा हूँ, और अब हम लोग चलते हैं अचीवमेंट की तरफ। तो यहाँ पर रीवा अरोड़ा के हो गए हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। आज सोहेल भाई का बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे सोहेल भाई। और यहाँ पर दीपक के हो गए 7 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे, तो सभी को कांग्रेट्स। बस गाइस आज का वीडियो ही खत्म होता है, पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो करो गाइस, क्योंकि वहां पर मैं आप लोग से बात करता हूँ, साथ साथ न्यूज भी देते रहता हूँ। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। स्लैप। अबे साले।